पोंग झील ने दूसरे दिन डूबे हुए दोनों युवकों के शवों को झील ने उगल दिया है। एनडीआरएफ की टीम ने रजत व सुमित कुमार निवासी दौलतपुर ऊना के शव बाहर निकलते ही देखकर परिजन जोर जोर से विलाप करने लगे। परिजन शवों को देखकर उनके साथ लिपट कर रोने लगे। प्रशासन व पुलिस की देखरेख में शवों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों शवों को ढूंढ निकाला। पोंग झील किनारे लोगों का काफी हुजूम उमड़ा हुआ था। प्रशासन व पुलिस की मौजूदगी में सर्च अभियान चला हुआ था। रजत का शव सोमवार सुबह करीबन 12 बजे बरामद हुआ, जबकि सुमित कुमार का शव करीबन 3:30 बजे बरामद हुआ। बता दें कि रविवार को दोनों युवक अपने दोस्तों के साथ बाथू की लड़ी में मोटरसाइकिलों से घूमने आए थे तथा पानी की गहराई का अंदाजा न होने के कारण गहरे पानी में जाने से डूब गए। एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि दोनों शवों को बरामद कर लिया गया है। वहीं एसपी नूरपुर अशोक रत्न ने बताया कि पोंग झील में डूबे दोनों युवकों के शवों को बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पुलिस इस पर कार्रवाई कर रही है। विगत दिवस दो नौजवान जो दौलतपुर के रहने वाले थे अपने कुछ साथियों के साथ यहाँ घूमने आए थे और गर्मी की वजह से वो नहाने चले गए, क्योंकि बाहर के रहने वाले थे, उनको यहाँ की वस्तुस्थिति का पता नहीं था। तो नहाती बार दो युवक, एक रजत जिसकी उम्र 23 साल है और एक सुमित जिसकी उम्र 26 साल है, वो आर्मी में हैं, वो दोनों पानी की गहराई में समा गए। उनको बचाने की कोशिश करी गई परंतु दुर्भाग्यवश उनको बचाया नहीं जा सका। उसके पश्चात तुरंत एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। 20-22 लोग एनडीआरएफ के तुरंत आए और उन्होंने भरसक प्रयास किया परंतु कल किसी को नहीं रेस्क्यू कर पाए। आज सुबह रजत को निकाला गया डैम से और दूसरा सुमित जो है उसको दोपहर बाद पानी में से निकाला गया। दोनों की मृत्यु हो चुकी है। प्रशासन की तरफ से उनको फौरी राहत, उनके परिजनों को 25,000 एसडीएम साहब ने उनको दे दिया है और दोनों ही मृत व्यक्तियों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम के पश्चात उनको उनके परिजनों के हवाले कर दिया जाएगा। ये दुखद घटना हुई है, भविष्य में भी इस प्रकार की घटना ना हो उसके लिए प्रशासन भरसक प्रयास करेगा और आम जनता से भी अनुरोध है कि वो इस प्रकार अपरिचित जगह सावधानी बरतें और इस प्रकार पानी में ना घुसें। यही मेरा कहना है। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए जवाली से राजेश कौंडल की रिपोर्ट।